महाभारत एपिक की वैसे तो कई अडॉप्टेशंस हुई है, लेकिन सबसे बढ़िया रही थी 1980s की बीआर चोपड़ा की महाभारत। आज भी ज्यादातर ऑडियंस के जहन में वही पात्र छपे हुए हैं जिन्होंने बीआर महाभारत में एपिक किरदार निभाए थे। इसलिए जब मॉडर्न महाभारत बनाने की प्लानिंग है तो हम इम्प्रूवमेंट्स कंपेयर करने के लिए इसी वर्जन को सबसे सटीक मान सकते हैं। तो आज की वीडियो में पेश है ऐसे एलिमेंट्स जो नई महाभारत में इम्प्रूव होंगे विद रिस्पेक्ट टू बीआर वर्जन। देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं हूँ आपकी दोस्त हस्ती। बीआर की महाभारत उस समय के हिसाब से तो एक मास्टरपीस रही थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब तक फिल्मी दुनिया में काफी प्रगति हो चुकी है। अब हमारे पास VFX, बजट, कॉस्ट्यूम सब कुछ ज्यादा बढ़िया उपलब्ध है, इसलिए महाभारत के नए वर्जन में हमें काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें से पहला ही है VFX, क्योंकि पुराने दौर में टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, इसलिए स्पेशल इफेक्ट्स SFX का ज्यादा यूज होता था, यानी कि कैमरा टेक्निक और ऑब्जेक्ट्स के सहारे सीन का भ्रम बनाया जाता था। लेकिन अब की महाभारत मोस्टली ग्रीन स्क्रीन के आगे ही शूट होगी और VFX उन सीन को भी बना देगा जो नॉर्मल कैमरा से शूट ना हो पाए। फिर है ऑफकोर्स कास्ट एंड क्रू। पिछले वर्जन में मेनस्ट्रीम एक्टर्स नहीं थे, लेकिन अब एपिक रोल्स में सुपरस्टार्स के होने की उम्मीद है। पुराने वर्जन में हमें कॉस्ट्यूम और मेकअप डिपार्टमेंट में थोड़ी कम डिटेलिंग दिखी थी, जरूर उस समय के हिसाब से यही बेस्ट रहा था, लेकिन यंग फेसेस पे व्हाइट बियर्ड थोड़ी अजीब तो लग रही थी। इसी पर नए वर्जन में काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कॉस्ट्यूम्स रॉयल और मेकअप परफेक्ट रहेगा। इसके बाद रहे थे प्रॉप्स, जैसे कि तलवारें, रथ, इवन ज्वेलरी, अगेन उस जमाने का बेस्ट, पर आजकल कम रियल लगता है, जबकि न्यू वर्जन में ये सब ऑलमोस्ट रियल की तरह बनाए जाएंगे। यहाँ तक कि ज्वेलरी के लिए तो रियल ज्वेल्स का भी यूज होता दिखेगा, जैसे कि पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में देखने को मिला था। काफी सारे ज्वेलर्स महंगी ज्वेलरी शूट के लिए किराए पर देते हैं, इसलिए जरूर है कि एक किरदार पर जचता हीरो का हार असली भी हो सकता है। वैसे तो VFX का हैवी यूज होगा, लेकिन सेट्स की जरूरत फिर भी होगी, जहाँ 80s वर्जन के मुकाबले सेट्स थोड़े और रियल लगने वाले हैं, जैसा हमने बाहुबली फिल्म में देखने को मिला था। VFX और सेट की कमाल की जुगलबंदी, और जाहिर सी बात है इन सब में लगने वाला खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ बीआर चोपड़ा की महाभारत 9 करोड़ के बजट में बनी थी, हालांकि आज की इन्फ्लेशन में ये भी अराउंड 100-150 करोड़ हो जाएगा, पर न्यू वर्जन का बजट 1000-1500 करोड़ तक भी जा सकता है। लेकिन एक चीज है जिसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वो है बीआर चोपड़ा महाभारत की स्क्रिप्ट। इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एपिक को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया था बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बस ऐसी ही न्यूट्रल अप्रोच मॉडर्न महाभारत बनाते वक्त भी अपनानी होगी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।